वाह वाह, कुकड़ चलते पे ने। लगता है पैसे भेजे हैं शहर ने। की करने आए थे हैं? और क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ रहा तू? तेरी माँ ने जब तेरे लिए एक कुड़ी देखी है तो जा जाके उसके साथ ब्याह कर और हमारी जान छड़। कैसे फिर जाऊं अपनी जुबान से चाची? शहर मेरी मांग थी, उन्हों ही मेरी बुड्ढी भी बनेगी। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला हूं नहीं मैं। चल पैसे कट, काम जाने मैंने, जल्दी छेती कर। एक टुटा हुआ थैला भी नहीं है मेरे पास, आई समझ? जो कुछ था ना हूं झांझ के तुझे दे दिया है। जा जा के अपने प्यो से मांग पैसे। एक कमाने वाला भाई था, उसको तुम दोनों मामूतियों ने मार दिया। चल जमीन का सौदा कर। वो जा हमारा पीछा छोड़, कौन से सौदे करता फिर रहे तू मेरे साथ? जा मगरो लत। मुझे पैसे चाहिए, शहर का पता तो मैं लगा के रहूंगा। तू जान दे नहीं मैनू, मेरे ना जिद ला रही है तू। देख तेरा नवासा और तेरी धी इधर ना है ना, तो मैं भी अपने प्यो का पुत नहीं गा। ना इंसाफी हुई है हमारे साथ। मेरे भाई का कफन बेचा है तुम दोनों ने। मैं अपनी बरादरी की तरह बगैरत नहीं हूं, हिसाब लूंगा हिसाब। कौन सा कफन बेचा तेरे भाई का हमने? चल जा, जो बदले लेने हैं ना तूने ले ले। बता वक्त ही जा रहा है। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की कोशिश की ना तो छोटा फड़ के तेरी लत्ता पाल रही है मैं। तू किसी और का गिज्जा हुआ होगा है, तेरा मैं अभ्यास करती जा रही हूँ, तू मेरे सिर पे चढ़ता जा रहा है। चल पर दफा बुलाती हूँ अभी ममदू को। ममदे वे ममदे ममदे, इसको देख बहुत प्यारे को लेके जा। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, दोबारा आवांगा तुम्हें खाली हाथ नहीं जाना। खलौंदा ना और जरा, मौत पवे इसको। पैसे दे इसको, देती हूँ तुझे मैं पैसे। और डर लिया मैंने तेरे से, हूं नहीं मैं डरने वाली। वो तो बड़ी प्यारी है। क्या बात हो रही है भाई? कुछ नहीं जी। अच्छा, कोई तो ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से मैं जैसी आई हूँ तुम दोनों चुप करके? नहीं, इफ इट्स समथिंग पर्सनल तो रहने दो, लेकिन घर के बारे में है तो मुझे लगता है कि मुझसे भी बात करनी चाहिए। अच्छा, आई वॉज थिंकिंग कि हम जैनी से बात करें, मेरी बाजा से तो बात हो गई है। हमारी बात हुई है जैनी से। हमारी? हमारी, मेरी और शहर की। जैनी को कुछ वक्त चाहिए और शहर को भी ऐसा लगता है कि हमें जैनी को वक्त देना चाहिए। 1.5 साल हो गया है भाई, इससे ज्यादा और कितना वक्त देना है उसको? उम्र निकली जा रही है उसकी, इट बी टू लेट। और बाजल से अच्छा रिश्ता कहाँ मिल सकता है उसको? गैर शादी शुदा है, घर का बच्चा है, वी कैन ट्रस्ट हिम। उसका हक है, जिस तरह दवाइयां लेना न लेना उन्हें फेंक देना तुम्हारा हक है, इसी तरह जैनी का हक है कि वो अपना जीवन साथी चुन सके। हक की तो बात तो मत करो मुझसे उमर, कि हक ना हक तुमने दोनों किया है इस घर में, मैं चुप करके बर्दाश्त। तुम चुप रही, तुम कोमल तुम चुप नहीं रही। टॉकिंग अबाउट माई सेकेंड मैरिज राइट, अगर तुम्हें मेरे इस फैसले से इतनी ही घुटन थी तो तुम भी अपना कोई फैसला ले सकती थी। आप इस वक्त कैसी बातें कर रहे हैं जी? अभी तुम जैनी की शादी की बात। और बिलफर्ज, अगर जैनी ने शादी से इनकार कर भी दिया तो उसकी वजह कतई मेरी दूसरी शादी नहीं। मैं किसी पर जबरदस्ती करने का कायल नहीं। ये वक्त थोड़ी है ना ये बातें करने का, आपकी तबीयत वैसी अच्छी नहीं है। तबीयत अच्छी नहीं है तो दवाइयां ले। ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट है ना, ये डिप्रेशन का नतीजा है मैडम। मेरी दवाइयों को इशू बना रहे हो ना तुम? इस घर में जो कुछ हो रहा है मैं हर बात को इशू बना सकती हूँ, लेकिन मैंने किसी से इस घर में कोई बात नहीं की है। सही तो कह रही है ना आप ही, इतना चंगा रिश्ता लेकर आई है बाजल भैया का, जैनी हमारी बड़ी खुश रहेगी। आप परेशान क्यों होते हो जी? और हम इस वक्त यही बातें करने के लिए तो नहीं बैठे थे ना, हम जैनी के लिए बैठे थे। आपके लिए ना मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? आप फुद्दू फटे हो।